मित्रों मित्रों, आज एक नई वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कंडवा रोग या स्मट रोग क्या है। तो कंडवा रोग धान, गेहूँ और गन्ना की फसल में लगता है, लेकिन अलग अलग फसलों में इसकी अलग अलग पहचान है किसान मित्रों। तो मित्रों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि गन्ने की फसल में कंडवा रोग क्या है और इसके क्या लक्षण हैं और इससे क्या बचाव के उपाय हैं किसान मित्रों। तो मित्रों, आज मैं आपको तीन टेक्निकल ऐसे बताने वाला हूँ जिससे कंडवा रोग से जो है हम छुटकारा पा सकते हैं किसान मित्रों, और बहुत अच्छे टेक्निकल हैं किसान मित्रों। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो पहले किसान मित्रों कारण जान लेते हैं। कंडवा रोग एक फफूंदजनित रोग है। यह तीन तरह से फैलता है, हवा के माध्यम से, बीज के माध्यम से और मिट्टी में पाया जाता है। तो ये कंडवा रोग के तीन मुख्य कारण हैं। अब कंडवा रोग के लक्षण क्या है किसान मित्रों? गन्ने के पौधों की जो नई कलियां निकलती हैं वो काले कलर की कोड़े नुमा कलियां दिखाई देती हैं। इसके आसपास काले चूर्ण जैसा काफ़ी सारा पाउडर दिखता है और पौधा मुड़कर चाबुक नुमा भी हो जाता है, और इसकी बढ़वा रुक जाती है और दूसरे पौधों से छोटा रह जाता है। और यदि समय पर इससे बचाव नहीं किया तो हमारी फसल का 30-40% हिस्सा जो है ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा उत्पादन गिर जाता है किसान मित्रों। तो ये बहुत ही भयंकर रोग है किसान मित्रों। उसके बचाव के क्या उपाय करें कि कंडवा रोग से हम बचाव हो सकते? तो पहले शुरू करते हैं बुआई से। बुआई के समय इसका उपचार करना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए कार्बोडाइजियम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर गन्ने के बीज का शोधन कर लें। लगभग आधा घंटा से 1 घंटा तक जो कार्बोडाइजियम के पानी के घोल में डुबोकर बीज को रखें। तत्पश्चात बीज बोएं या 50 डिग्री तापमान के गर्म पानी में बीज को जो है 1 घंटा तक डुबो कर रखें। बाद में बीज निकाल कर बोएं। इससे बीज शोधित हो जाता है और बहुत सारे फंगस रोग जो है लगने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, जिससे कंडवा रोग यदि मिट्टी में हो तो वो गहरी जुताई से नीचे चला जाए। तीसरा, यदि ये बीमारी हमारे खेत में आ गई है तो उससे कैसे बचाव करें किसान मित्रों? इसकी पहचान यदि प्रारंभिक अवस्था में हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहता है, और इससे हमारी फसल को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। यदि खेत में 2 या 4 पौधे हों तो इन पौधों को ऊपर से प्लास्टिक की पन्नी लपेटकर, या किसान भाइयों हमारे पास यूरिया के बैग होते हैं, खाली जो बैग होते हैं किसान मित्रों, उनको ऊपर से डालकर बड़ी सावधानी से सुबह के समय जब ओस हो या मौसम ठंडा हो उस समय पौधे को जड़ से उखाड़ कर निकाल कर कहीं दूर गड्ढा खोद कर दबा दें, जिससे हवा के माध्यम से ना फैले और दूसरे पौधों को भी रोगग्रस्त ना करे, वह दूसरे खेतों में ना फैल सके। इसके बाद मैं अब टेक्निकल बताने वाला हूँ मित्रों। पहला टेक्निकल जो है टेबुकनाजोल 10% प्लस सल्फर जो है 65% जो है WDG, इसकी 500 ग्राम मात्रा लेनी है और 250 लीटर पानी में मिलाकर इसको स्प्रे करना है, ये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान मित्रों। और पहला टेक्निकल मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा टेक्निकल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा टेक्निकल है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, जो है 300 ग्राम मात्रा लेनी है और 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। यदि रोग ज़्यादा बढ़ गया है तो 400 ग्राम मात्रा भी ले सकते हैं, ये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान मित्रों। अब तीसरा जो है मैं आपको टेक्निकल बताने वाला हूँ, वो है कार्बोडाइजियम 12% प्लस मैंकोजेब 63% का 800 ग्राम मात्रा लेनी है और 250 लीटर पानी में मिलाकर इसको स्प्रे करना है। तो जो भी आप टेक्निकल इस्तेमाल करें किसान मित्रों, मैंने आपको तीन टेक्निकल बता दिए, इसमें जो भी आप टेक्निकल इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें स्टिकर ज़रूर मिला लें, क्योंकि स्टिकर जो है पत्तों पर दवाई चिपकने में काफ़ी मदद करता है। और मित्रों, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि मौसम जो है साफ़ होना चाहिए, उस दिन आप स्प्रे करें। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। जो है जानकारी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए किसान मित्रों नमस्कार।